बीस्ट बॉय शिप की कॉपी। जब बीबीएस एंड डी वे टाइम मेड अ किड, सस्ता बीस्ट बॉय शुभ की कॉपी। बीस्ट बॉय शुभ है। लोल, सस्ता बीबीएस। क्या मैं सचमुच में बीस्ट बॉय शुभ को कॉपी कर रहा हूँ? अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो या फिर अभी अभी तुम्हें ये वीडियो दिखी और तुमने इस पर क्लिक कर दिया, तो मैं बता दूं कि मेरे पर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि मैं बीस्ट बॉय शुभ की कॉपी करता हूँ। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, एंड दिल्ली में तुम्हें मोस्ट ऑफ दी दिल्ली को छोड़कर बाकी सब जगह के लोग मिलेंगे। यहाँ पर तुम्हें यूपी के लोग मिलेंगे, यहाँ पर तुम्हें हरियाणा के लोग मिलेंगे, यहाँ पर तुम्हें बिहार तक के लोग मिलेंगे, यहाँ पर तुम्हें हर जगह स्टेट से आए हुए लोग मिलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर जो मिलेंगे वो यूपी वाले हैं। आई मीन मेरे हिसाब से तो मेरे को यही लगता है, क्योंकि नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट साइड में यूपी और हरियाणवी लोग ही रहते हैं, एंड मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं यूपी से एंड मेरा दिल्ली का ही जन्म है। मेरे घर में ज्यादातर सब लोग, लिटरली सभी लोग यूपी एक्सेंट यूज करते हैं यार, जो कि सिमिलर है बीस्ट बॉय शुभ से। यहाँ कोई कॉपी नहीं कर रहा। मैं जो वर्ड्स यूज करता हूँ वो बीबीएस भी करते हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को हरियाणवी और यूपी एक्सेंट बहुत अच्छे से आती है यार। किंग एको जय रहा है तनबेरा बी के हो रहा यहाँ है जैसे बेरा ना पट्टा जा रहा गंडा सल्ले का यूंग है खेत में। लिटरली ऐसे कमेंट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि मैं तुम लोगों के ये दिमाग में जो भरा हुआ है कि मैं पीबीएस की कॉपी कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा यार। क्योंकि मेरे को लगता है कि यही एक मेन रीजन है कि मेरी रीच भी नहीं आ रही, और सबको लगता है कि यार ये तो बीबीएस बनने की कोशिश कर रहा है, इसके बस की खुद तो कुछ ओरिजिनल कंटेंट है नहीं। मैं तो यार अपने जैसा ही हूँ। यार मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही बोलता हूँ, ठीक है? मैं ना किसी की कॉपी कर रहा। बीबीएस से पहले भी मैं ये एक्सेंट यूज करता था और बीबीएस आने के बाद भी यही एक्सेंट यूज करता हूँ। बट हाँ, मेरे को एक वर्ड सीखने को मिला, वो है भैंस की टैंट। जी हाँ, ये बहुत बड़ी ऑल्टरनेटिव है जब भी मेरे को गाली देने का मन करता है। सारा स्ट्रेस, गुस्सा, डर सब खत्म हो जाता है इस वर्ड से। एंड तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि बीस्ट बॉय शुभ मेरी इंस्पिरेशन भी है। उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ यार, तभी मैं लिटरली हर डिफरेंट वो गेम खेलता हूँ जो मेरे को खेलने का मन करता है। एंड हॉरर गेम्स मेरे को इतनी पसंद है, मैंने हॉरर गेम्स खेलना उनसे ही सीखा था, क्योंकि मेरी हॉरर गेम्स खेलने में इतनी फटती थी ना भाई। मैं ये देख रहा हूँ कि एक टाइम था जब मेरी इतनी फटती थी हॉरर गेम से, और अब मैं स्पीड रन तक करता हूँ। ये वीडियो जिसने नहीं देखी जाकर देखना, इसमें मैंने स्पीड रन किया है। एंड बाकी यार, इस वीडियो के बाद शायद मेरे को इतना क्रिटिसिज्म भी मिले। लोगों को हेट फैलाना बहुत पसंद है, तो वो हेट फैलाएंगे ही। ये कमेंट सेक्शन हो सकता है कि मेरे को बोले कि भाई तो फिर भी बीबीएस बनने की ट्राई कर रहा है, ये है, वो है, वो है, ये है। वो ज़रूर लिखेंगे कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर तू कॉपी कर रहा है, मतलब कॉपी कर रहा है। अभी जो फेज़ चल रहा है वो मेरा लर्निंग फेज़ चल रहा है। इस फेज़ में मैं जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं जो मेरे को पसंद है, मैं उन सबको देख देख के कंटेंट बना रहा हूँ यार। लेकिन मैं अपनी जो कमेंट्री कर रहा हूँ वो मैं किसी को देख कर नहीं कर रहा, ठीक है? वो मेरी खुद की अंदर की जो भड़ास है गेम खेलते वक्त निकलती है, वो खुद ब खुद निकलती है, ठीक है? मैं एक रियल पर्सन हूँ, रियल तो पर्सन ही हूँ, एकदम रियल रहता हूँ तुम्हारे सामने, ना फेक बनता, ना कुछ बनता, ना कुछ बनने की ट्राई करता, बस मैं रहता हूँ द वे की टीन। और बाकी जितने भी बंदे मेरे को कॉपी बोलते हैं, बीबीएस ने खुद शुरुआत में कॉपी किया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो ये क्लिप अभी जो मैं चला रहा हूँ उसे ध्यान से जरूर देखना। जब मेरे चैनल पे 40 सब्सक्राइबर्स थे तब मेरे पास पहला कमेंट आया था कैरी मिनाटी की कॉपी का। अब बात आती है यार मेरी कॉपिंग की, तो यार मैं सिर्फ कुछ बातें कहना चाहता हूँ इस पे कि यार जब कोई बंदा किसी चीज में नया इन्वॉल्व होता है ना, तो वो सबसे पहले अपने ऊपर वाले को देखता है कि उसका ऊपर वाला ऐसा क्या कर रहा है जो लोगों को पसंद आ रहा है, और वही चीज वो ट्राई मारता है
कि क्या लोग मुझे भी पसंद करेंगे यार, वरना कैरी मिनाटी सांस लेता है, मैं भी सांस लेता हूँ यार, कॉपी तो नहीं कर रहा यार, वो भी रोज हगने जाता है सुबह सुबह, मैं भी जाता हूँ यार, फिर भी कॉपी तो नहीं कर रहा। पता है क्या, किसी भी कमेंटर को ना मेरे से दुश्मनी नहीं है, पर ये चीज बोलने में मजा आता है। जैसे कि कैरी मिनाटी ने बोल दिया बकचोदी, मैंने भी सेम वर्ड बोल दिया बकचोदी, बस फिर कमेंटर को एक कमेंट मिल जाता है कि हाँ मुझे तो एक कमेंट करना है कैरी मिनाटी की कॉपी। तो यार इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जितने ज्यादा ऐसे कमेंट्स होते हैं ना, मैं उतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। सो यार हर यूट्यूबर जो भी शुरुआत करता है ना YouTube पे, वो दूसरों की कॉपी करता ही है। एंड यार मैं तो अपने आप को एकदम रियल दिखा रहा हूँ यार, मैं तो कॉपी भी नहीं कर रहा। होपफुली तुम्हारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी तुम्हारे मन में वो दूर हो गई होगी, क्योंकि मैं हूँ द वे की टीन। BBS अपनी जगह है, हर यूट्यूबर अपनी जगह है, एंड मैं अपनी जगह हूँ। आई वॉन्ट माई डिफरेंट एंड अ यूनिक पर्सनैलिटी। ये क्या बक दिया मैंने? आई वॉन्ट अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, जिससे लोग मेरे को जाने यार। तो उस पर मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ। एंड बाकी अगर तुम्हें आइडियाज वगैरह देने होंगे, कमेंट सेक्शन खाली है यार, तुम दे सकते हो। तो बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी बस मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।